कंवल होम कुकिंग में आपको खुशामदीद जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय चैनल कंवल होम कुकिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज हम बना रहे हैं बीफ नगेट्स। बहुत आसान सी रेसिपी है। चलें जी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बोनलेस बीफ चाहिए, नमक डालकर आपने इसको बॉयल कर लेना है 20 मिनट्स के लिए। जी व्यूअर्स, इसके बाद हम लोगों ने चॉपर लेना है। इसमें हमने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। सबसे पहले ब्रेड को हमने इसमें डाल देना है, अच्छे तरीके से इसको चॉप करना है। जब ये फाइन हो जाए तो हम लोगों ने इसको निकाल लेना है। हम लोगों की ब्रेड क्रम्स तैयार हैं जी व्यूअर्स। इसके बाद हमें प्याज चाहिए, जिंजर चाहिए, रेड चिली, ग्रीन चिली और करियंडर लीफ चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने चॉप कर लेना है, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। ये हमारी तमाम ग्रीनरी जो है वो चॉप हो चुकी है। इसके बाद हमने इसमें बॉयल किया हुआ बीफ डाल देना है। इसके बाद हमने इसमें मसाला जात ऐड करने हैं, ज़ीरा, लाल मिर्च, नूडल्स पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, नमक, हल्दी और सोया सॉस ऐड करना है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ऑल स्पाइस हम लोगों ने इसमें डाल देने हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसको भी चॉप कर लेना है अच्छे तरीके से। ये हम लोगों का मसाला तकरीबन बनकर तैयार होने वाला है। दो ब्रेड मैंने यूज़ किए हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ब्रेड ऐड कर सकते हैं। ब्रेड डालनी है आपने और फिर इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह की फॉर्म में आपने इस मसाले को बना लेना है। इसके बाद हम लोगों ने एक बाउल में मसाला निकालना है और इसके नगेट्स बना लेने हैं। शेप आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना लीजिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस आपके नगेट्स बनकर तैयार होंगे। मेरे स्टाइल में बनाएं। चिकन नगेट्स की रेसिपी आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। जी व्यूअर्स, बहुत ही आसान सी रेसिपी है बीफ नगेट्स की। चलें जी फ्राई करते हैं। अंडे में डिप करने के बाद आपने इसको ब्रेड क्रम में करना है कोट और फिर इसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। वन बाय वन करके आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्राई कर लें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी हम लोगों के नगेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत डिलीशियस बनते हैं। ख़ुद भी खाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की मेरी बीफ नगेट्स की रेसिपी? बहुत आसान सी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की बीफ नगेट्स की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपके बच्चे बीफ नहीं खाते तो आप बीफ नगेट्स बना कर दें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।